खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देहरादून सचिवालय में सोमवार को हुई राज्य वन जीव की 15वीं बोर्ड बैठक में उत्तराखंड की 2020 की गणना के नतीजे जारी किए गए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में 6 से 8 जून तक हाथियों की गणना की गई थी। इसमें सामने आया कि प्रदेश में हाथियों की संख्या 2026 पहुंच गई है। हाथियों की संख्या में बीते 3 साल में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदेश में 2012 में 1559 हाथी थे, जबकि 2017 में इनकी संख्या बढ़कर 1839 हो गई थी। इस प्रकार 2017 में हाथियों की संख्या में 10.17 का प्रतिशत बढ़ा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 22 से 24 फरवरी 2020 तक जलीय जीवों की गणना की गई थी। इसमें पाया गया कि प्रदेश में 451 मगरमच्छ, 77 घड़ियाल और 194 ऊद बिलाऊ हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 2020 से 2022 तक राज्य में स्नो लेपर्ड की जनसंख्या का आकलन भी किया जाएगा। खबर विपक्ष और राजनीति की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को प्रदेश की राजधानी देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करने निकले। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विगत 14 जून को नई दिल्ली से देहरादून आए थे। रविवार को उनकी ये अवधि पूरी हो गई है। सोमवार से तेल के दामों के बढ़ने पर उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इसके बाद उन्होंने रायपुर के महाराणा प्रताप चौराहे के निकट स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और अन्य 20 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन ने कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करने के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। आज मैं बैलगाड़ी में भगवान शिव के दर्शन करने गया। सामाजिक कार्यकर्ता हूं, अकेले गया, लेकिन कुछ लोग आ ही गए होंगे। मास्क, सैनिटाइजर, सब चीजों का उपयोग किया हमने, लेकिन सत्ता को अपना नग्न अहंकार दिखाना ही था। हमारे कुछ साथियों के ऊपर मेरे साथ मुकदमे लगाए गए। खबर जनता जनार्दन की। उत्तराखंड परिवहन निगम ने सैकड़ों चालक परिचालकों को नौकरी से निकाल दिया है। रोडवेज प्रबंधन की कार्रवाई की गाज ठेके पर काम कर रहे 200 चालक परिचालकों पर गिरी है, जिसके बाद उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया। परिवहन निगम प्रबंधक ने सभी चालकों और परिचालकों के खिलाफ कार्रवाई करके उनके अनुबंध नवीनीकरण नहीं किए जाने के चलते की है। इतना ही नहीं, प्रबंधन ने इन सभी चालकों और परिचालकों को 10 जून के बाद वेतन नहीं देने के आदेश भी जारी किए हैं। बता दें कि परिवहन निगम ने 750 से अधिक चालक परिचालक ठेके पर रखे थे। इन चालक परिचालकों को हर साल अपने अनुबंधों का नवीनीकरण कराना होता है। परिवहन निगम में तमाम ऐसे चालक परिचालक हैं जिनके अनुबंधों का नवीनीकरण पिछले कई सालों से नहीं हुआ है। पिछले दिनों महाप्रबंधक दीपक जैन की ओर से इस संबंध में सभी सहायक महाप्रबंधकों को कड़े निर्देश जारी किए गए थे। ऐसे में जिन चालक परिचालकों द्वारा अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं किया गया है, उन्हें 10 जून के बाद परिवहन निगम की जनशक्ति में शामिल नहीं किया जाएगा और न ही सभी चालकों परिचालकों को ड्यूटी पर भेजा जाएगा। वही प्रबंधन के इस फैसले के बाद ज़्यादातर चालक परिचालक अब प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य के सामने अपनी व्यथा रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे वही मुखिया हैं। खबर चारधाम यात्रा करने के लिए बदले नियमों की। कोरोना काल में लंबे इंतजार के बाद सोमवार को सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। नियमों के अनुसार इस चारधाम यात्रा में सिर्फ उत्तराखंड के निवासी ही यात्रा कर सकते हैं। 1 जुलाई से उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू की जा रही है। राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में लोगों को चारधाम के दर्शन की सीमित संख्या में अनुमति दी जाएगी। राज्य के लोगों को अपने स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र में आईडी दिखानी होगी। क्वारंटाइन किए गए लोगों को भी चारधाम में जाने की मंजूरी नहीं होगी। राज्य से बाहर के लोगों को किसी भी तरह की यात्रा नहीं मिलेगी।
उत्तराखंड चारधाम के लिए प्रदेशवासियों को जिला प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने वेबसाइट जारी कर दी है। स्थानीय प्रशासन से यात्रा पास जारी होने के बाद ही लोग यात्रा कर सकेंगे। बद्रीनाथ में एक दिन में 1200, केदारनाथ में 800, गंगोत्री धाम में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को दर्शन में प्रवेश मिलेगा। खबर कोरोना की ढाई चाल की। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में दिन भर में कुल 8 संक्रमित मरीज ही पाए गए हैं, जिनमें देहरादून में 4, 2 नैनीताल और 2 ऊधम सिंह नगर में शामिल हैं, जिसके बाद ही राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2831 पहुंच गया है। सोमवार को जारी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 93 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं, लिहाजा अब ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2111 पहुंच गई है। अब राज्य में 29 लोग की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 669 टोटल एक्टिव केस हैं। राज्य में कोरोना रिकवरी परसेंटेज 34% पहुँच गया है। खबर कर्मचारियों की गाड़ी कमाई को खाते से निकाले जाने की। कोरोना महामारी के बीच पैसे की किल्लत से जूझ रहे पीएफ खाताधारकों के लिए कोविड-19 योजना के तहत पैसा निकालने का मौका मिला है। योजना का लाभ उठाने के लिए आज यानी 30 जून आखिरी दिन है। पीएफ खाते से निकाले जाने वाली राशि अंशधारक के 3 माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग या उनके खाते में जमा हुई कुल राशि के 3/4 में से जो भी कम हो उससे अधिक नहीं हो सकती। लॉकडाउन की वजह से लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया था, इसलिए पीएफ योजना 1952 के पैरा 68L के उप पैरा 3 को जोड़ा गया है। इसके लिए आप स्क्रीन में दिए गए लिंक के जरिए अपने UN खाते में जाएं और वहां ऑनलाइन सेवा पर जाकर क्लेम फॉर्म को क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपके खाते के आखिरी 4 अंक मांगे जाएंगे। सारी जानकारी भरकर आगे बढ़ें और पीएफ एडवांस 31 पर क्लिक करें। इसके बाद आपके चेक या पासबुक की स्नैप कॉपी अपलोड करनी होगी। अगले स्टेप में आपको आधार नंबर के जरिए एक OTP मिलेगा, जिसे डालने के बाद आपको कुछ दिनों में पैसा मिल जाएगा। साथ ही पीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक पर क्लिक कर अपनी राशि भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देख लें। खबर बदले मौसम की। मौसम विभाग ने सोमवार को नैनीताल और पिथौरागढ़ ज़िले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही देहरादून सहित 5 ज़िलों में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। साथ ही प्रदेश भर में 3 जुलाई तक बारिश चलती रहेगी। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश के सभी ज़िलों में लगातार हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।